पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी हैं वो जश्न आज़ादी भरपूर जोशो खरोश से मना रहे हैं, और पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो कैसे मुमकिन हुआ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अकदस। ये वो इलामा इकबाल का मज़ार है जो कि शाही किला लाहौर के साथ वाक़िया है। तो इलामा इकबाल ने एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा और जिसकी तकमील जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने रफ़ाकार के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया। तो पाकिस्तान हमें कोई प्लेट में रखकर नहीं मिला, पाकिस्तान हमें बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। तो आज पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की भी कर रहा है और पाकिस्तान पहले से मजबूत तर हुआ है। एक एटमी आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन उनको जिंदा दिलाने लाहौर भरपूर जवाब देंगे कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद रियासत है, और इसको जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्कों की लकीर बनी तो जो उस तरफ थे वो एक अलग वतन था, जो इस तरफ थे तो वो पाकिस्तान की सूरत में एक अलग वतन में रहश पजीर हुए। तो आज हम इस प्रोग्राम में जो है वो देखेंगे कि जिंदा दिलाने लाहौर जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं। तो मेरे साथ ही रहिएगा प्रोग्राम में का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं आगे कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वाघा बॉर्डर भी जाएंगे। उज़्मा बुखारी जो कि सूबाई वज़ीर इत्तला था उनसे भी बात करेंगे और सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा से भी बात करेंगे। मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, एक तरफ तो कौम जो है वो जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मना रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो अकलियत है वो कैसे इस जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर रमेश सिंह अरोड़ा साहब मौजूद हैं जो कि सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सरदार जी। तो ये बताइएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी के सदर भी हैं और वज़ीर भी हैं, तो इस तनाज़ुर में ये बताएं कि 14 अगस्त हम हर साल मनाते हैं, तो पाकिस्तान में अकलियत कितनी आज़ाद है? देखिए, अकलियत पाकिस्तान के अंदर आज़ाद है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं, और हमारी हुकूमत ने हमेशा उसी आइनी आइन को लेकर चले हैं। हमने कायद की उस सोच को, कायद के उस विजन को कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम लोग बराबर के शहरी हैं, हम लेकर चले। हमारी हुकूमत ने हमेशा माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट किया है, वो चाहे मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त, और ख़ासकर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब की, तो साहब की स्पीच तो सबके सामने है। जिस दिन वो लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब हुई, उन्होंने मुंतखब होते ही अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा कि अकलियत मेरे सर का ताज है, और मेरे ख्वाब है कि अकलियत जब रात को सोए तो उसके अंदर डर और खौफ की फ़िज़ा ना हो। हम उसी सोच को, उसी वीन को हकीकत का रूप दे रहे हैं, और इस वक्त हम अकलियत के लिए दिन रात कोशा है, काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट फ़ंड हो, बच्चों के स्कॉलरशिप हो, रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, रिलीजियस त्यौहारों पे उनको ग्रांट देनी हो, उनकी ट्रेनिंग हो, या कोई और मसाइल हो, लेजिस्लेशन हो, या कोई ऐसा कुछ जगह हमारी माइनॉरिटी की जिसपे किसी ने कब्ज़ा किया हो, तो बिल्कुल हम उसको वागुजार करवा रहे हैं। पिछले आप देख रहे हैं कि 6 गुरुद्वारे मोहतरमा ने आते ही गुरुद्वारे वागुजार करवाए जिन पर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। शेखुपुरा के अंदर एक हॉस्टल जो क्रिश्चियन बच्चों का हॉस्टल था उस पर कब्ज़ा हुआ था, हमने उसको वागुजार करवाया। बहुत सारे कब्रिस्तानों के ऊपर जो लोगों के कब्ज़े हुए थे वो वागुजार करवाए। कब्रिस्तानों के लिए बाकायदा तौर पे एक मीटिंग ली कि जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कब्रिस्तान है शहर खामोश है, वहाँ पर क्रिश्चियंस का, हिंदू का, सिख का भी आके उनको भी आपस में शामिल करें, तो माइनॉरिटी को साथ दे के चलें। और आपने देखा अभी पिछले दिनों 11 अगस्त को हम सब ने मिलकर माइनॉरिटी डे मनाया, जिसमें डिप्लोमेटिक कम्युनिटी आई, सिविल सोसाइटी आई, इंटरनेशनली उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम कहते हैं अकलियत महफूज है, आज़ाद है,
यस उसमें लोग हमारी अक्लियत के कुछ तहफात हैं, बीएंग रियासत ये हमारी और मेरी बीएंग मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है कि अगर किसी अक्लियत का कोई तहफ़ है, कुछ लोगों ने देखा उनके तहफात थे, मैं खुद चल के उनके पास गया, जाकर उनके साथ बैठ के बात की, उनकी बात सुनी और उनके जो उनके तहफात थे दूर किए। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है पाकिस्तान के अंदर जिस गुलदस्ते की खुशबू से सबको मुअत्तर होना चाहिए, और हमारे लिए जो एक मनफी राय रखी जाती है इंटरनेशनली जो कम्यूनिटी को एक नेगेटिव प्रोपोगंडा किया जाता है उसमें मीडिया का। सर जिस तरह के आपने अभी बताया कि पाकिस्तान में तो अकलियत बहुत ज़्यादा आज़ाद है, तो अगर हम भारत की जानिब देखें तो भारत में मुसलमानों का भी इस्तेसाल हो रहा है, क्रिश्चियंस का भी हो रहा है, और वहाँ पर दीगर जो कम्युनिटी हैं, तो पाकिस्तान और भारत में ये फ़र्क तो आप देख रहे हैं। मेरे मीडिया के दोस्तों से एक गुजारिश होगी, डोंट कंपेयर पाकिस्तान विद इंडिया। अगर आप माइनॉरिटी की बात करते हैं तो कंपेयर पाकिस्तान विद एनी डेवलप्ड नेशन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब हम अकलियत को हकूक की बात करते हैं तो पाकिस्तान उसको गारंटी करता है, कभी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं हुई, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुई, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, सॉरी चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू कौम के अंदर दलित है, चाहे वो मसीही है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुई, गुजरात के दंगों को कोई नहीं भूल सकता, पंजाब के दंगों को कोई नहीं भूल सकता, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म ज्यादती जो उनकी जेनोसाइड हो रही है कोई नहीं भूल सकता। सो हमें पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनकी एक्ट्स हैं, लेकिन स्टेट हमेशा आगे आती है और उनके खिलाफ एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी स्पेशल, तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की आपने गुफ्तगू सुनी। तो प्रोग्राम में आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तो अगर बात करें शहर लाहौर की, तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जगह जगह कौमी परचम जो है वो लेकर बच्चे बूढ़े जवान ख़वातीन जो है वो माल रोड और दीगर अतराफ में निकले हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो निजी व सरकारी सतह पर जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला इस वक्त जारी है, तो वतन से मोहब्बत का ये इजहार है, क्योंकि पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ था, हमारे बड़ों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। लेकिन मैं अभी मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है लाहौर की, उसके बिल्कुल साथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया है नर्सिस ने, तो मेरे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले इनसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। तो ये बताइएगा कि आज आपके खैर मुबारक, आज आपके कॉलेज में क्या अरेंज किया गया है जश्न आज़ादी के हवाले से? हमारे कॉलेज में आज हमने बच्चों के लिए स्पेशल इवेंट जश्न आज़ादी का अरेंज किया है। इसके अलावा इनके लिए हमने स्पेशल हाई टी अरेंज की है, और फ्लैग्स की जगह मैंने अपने बच्चों को कहा है कि हम ट्री लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे, और वो हमने खरीद के नीचे रखे हैं, और इंशाल्लाह ताला बच्चे यहाँ पर ट्री लगाएंगे अपने जो इनके अबाव जदाद अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम के लगाएंगे, और वो सदका जारिया होगा। तो बाकी इसलिए भी ये ज़रूरी था कि बच्चे अपने जो इनके अबाव जदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान हासिल करने के लिए, इन्हें भी याद हो, हम याद करवाएं, इन्हें बताएं कि ये दिन बहुत अहम है और हम इस मुल्क के लिए बहुत अहम है, और हमें एक अच्छा शहरी बनना है, मुफीद शहरी बनना है, और एक रोल मॉडल नर्स बनना है। रोल मॉडल नर्स बनना, तो सब जो है वो खुशो खुरम है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टीचर्स भी बड़ी खुश नजर आ रही है क्योंकि जश्न आज़ादी। अच्छा मुझे ये कहें कि आपने अपने बचपन में ये झंडियाँ वगैरह तो लगाई होंगी, तो आज ये झंडियाँ आप प्रिंसिपल बनकर यहाँ पर अपने कॉलेज में भी सजाकर बैठी हुई है, क्योंकि जश्न आज़ादी है, तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ। जी बिल्कुल, इसके क्योंकि ये एक खुशी का इजहार है जब आप झंडियाँ लगाते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं, और पाकिस्तान की आज़ादी की वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं और एक अच्छे मुल्क में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप बाकी ममालक में देखें, फ़लस्तीन को देख लें, और उन्हें देख के हमें अपनी इस आज़ादी पे इंडिया देख लें, इंडिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्पेशली आप जम्मू कश्मीर देख लें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कहीं भी सबसे पहले किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वो सिर्फ मुसलमान होता है,
हमेशा कलम उसके खिलाफ उठता है, तलवार उसके खिलाफ उठती है, गोली उस पर चलती है, और ये वाहिद हमारा मुल्क है जहाँ हम महफूज हैं। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, ये कलम भी उठती है, तलवार भी उनके खिलाफ और गोलियां भी उनके खिलाफ उठती हैं, और हम पाकिस्तान में आजाद हैं, यहाँ पर अकलीतें भी आजाद हैं, क्योंकि कायद आजम का जो फरमान था। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से हासिल हुआ, पाकिस्तान है तो हम हैं, तो क्या जज्बात हैं आपके? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी जो है एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। ये आप उनसे पूछें जो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब वो आज़ाद होते हैं तो उन्हें कितनी बड़ी खुशी हासिल होती है। सो हम जो हैं एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान जो है पुरजोश हैं बच्चे। हाँ जी बिल्कुल पुरजोश हैं, खुश भी हैं, क्योंकि ये स्पेशल इवेंट जो है मैम की वजह से जो है अरेंज किया गया है, ताकि बच्चे जो हैं इसको भरपूर एंजॉय कर सकें और आज़ादी आज़ादी के मतलब को समझें। हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन हम जो हैं अभी तक हमारे जहन जो हैं, हम समटाइम्स ये सोचते हैं कि हम जो हैं ग़ुलाम हैं, हमें आज़ाद होना है, अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है। और जो भी हालात हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ मुश्किल हालात चल रहे हैं, लेकिन उसको हम उसी वक्त ओवरकम कर सकते हैं जब हम यकजान होंगे, जब हम इकट्ठे होंगे, हमारी सोच मुस्बत होगी, और फिर हम समझेंगे कि हम वाकई आज़ाद हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो अनसेस्टर्स थे, हमारे आबाओ अजदाद थे, बड़ी मेहनत से, बड़ी जान की कुर्बानियां देके ये मुल्क हमने हासिल किया है, तो हमें उसको कायम रखना है, हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना है, ताकि हम उनकी जो है उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको सामने रखते हुए उनके मशले राह पर चलें, और इस मुल्क के लिए जो है सरगर्म रहें, काम करें, और इस मुल्क की हिफाजत का अज़म लेकर आगे बढ़ें। एज ए नर्सेज हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ये जो खिदमत कर रहे हैं ये भी एक क्या है, एक कुर्बानी है। हम अपनी आराम को, हम अपने आसाइशों को, हम अपने घरों को जो है, हम अपने बच्चों को घर छोड़ के आते हैं सिर्फ किस लिए कि हम इस मुल्क की आवाम की खिदमत कर सकें। तो यही जज्बा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो बन गया और पाकिस्तान के जो जो हालात रहे, लेकिन फिर भी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। जी जी। तो आपको बताइएगा कि कैसा लग रहा है इस जश्न आज़ादी पर? इस जश्न आज़ादी पे माशाल्लाह हम लोग बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। तो इस जश्न आज़ादी के मौका पर जो है मैं ये कहूँगी कि ए वतन तुझसे हम अहदे वफा करते हैं, दिल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं, सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मिट्टी, उसी मौसम में नए फूल खिला करते हैं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पाकिस्तान जो है हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। सबसे पहले इस पे मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अल्लाह के हजूर जो है सजदे शुक्र बजा लेना चाहिए, कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुमलिकत रियासत में जो है पैदा हुए हैं। और दूसरा ये कि ये भी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि शोर गुल जो है नहीं करना चाहिए, न्यू जनरेशन जो है शोर गुल करती है, वन व्हीलिंग करती है, और बैंड बाजा जो बजाती हैं इस तरीके से जो हुटिंग है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें जो है सादगी से, अकीदत एहतराम से, वैसे भी मुहर्रम और सफ़र का अमल चल रहा है तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम भी करना चाहिए और सादगी से हमें मनाना चाहिए, सादगी से मनाना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि कोई वन व्हीलिंग कर रहा है, कोई बाजे बजा रहा है, और फिर अस्पताल भर जाते हैं वन व्हीलिंग से जो जख्मी होकर आते हैं, तो जारी बात है आप हॉस्पिटल्स में भी ड्यूटियां कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि इसकी बजाय बल्कि हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि हम उसकी जगह पे जैसे बैंड बाजे पे पैसे लगाते हैं या फिर हम झंडियाँ वगैरह पे लगाते हैं जो नीचे गिरती हैं तो उनकी मतलब बेहरमती होती है, तो उसकी बजाय बल्कि हमें ट्रीज़ वगैरह को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं कैसा लग रहा है? हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारी प्रिंसिपल ने ये प्रोग्राम जो इवेंट्स हैं ये हमारे लिए अरेंज किया है, इन बच्चों के लिए अरेंज किया है ताकि हम आज़ादी के मतलब को समझें, हम जानें कि आज़ादी क्या है। क्योंकि हम अगर देखें तो पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से जो है ना आज़ाद हुआ है। हमारे बहुत से अनसेस्टर्स ने अपनी जो लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, ना कि अपनी लाइफ को बल्कि बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाके देखें ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे वो लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, वो अपनी सारी ज़मीनें, सारे पैसे, इवन अपनी हर चीज़ को वहाँ छोड़ के आए थे सिर्फ इसलिए कि वो अपने मुल्क में आए, यहाँ पर काम करें और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। तरक्की की राह पर गामजन तो मुल्क जो है वो होता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बुरान पैदा कर रहे हैं, सियासी बुरान, तो उनको क्या कहेंगी आप? जो पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो जाके हिस्ट्री पढ़ें और उसको देखें कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है।
हमें हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, हम उसमें नहीं रह सकते, यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान को पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसको डिवेलप करने के लिए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो देनी चाहिए। वेरी गुड। तो नाज़रीन, ये हैं हमारी स्टूडेंट नर्स, आपने उनकी गुफ्तगु सुनी, कितनी प्यारी उन्होंने गुफ्तगु की कि हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, और अगर पाकिस्तान ना होता, फर्ज करें, तो हम किस हालात में होते? जिन हालात में अभी इंडिया में जो मुसलमानों का हाल हो रहा है और जो कश्मीर में मुसलमानों का हाल हो रहा है, शायद हमारा उससे भी बदतर हाल होता, क्योंकि इंडियंस के साथ साथ ब्रिटिशर्स भी हमारे ऊपर थे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अभी तक हम जिस तरह हमारे माइंड्स और हम खुद डेवलप हुए हैं, हम बिल्कुल एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहे होते और हमारी सोच भी उसी तरह से होती। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब गुलामी में जी रहे होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर सोच भी वही होगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो बच्चों तैयार हो फिर, तो ये बताएं कि कौमी तराना किसको किसको आता है आपने से? आता है, चलो सुनाएं फिर। पाक सरजमीन शादबाद, कीशरे हसीन शादबाद, तून शाने अजमे आली शान, अजमे पाकिस्तान, मरकजे यकीन शादबाद। पाक सरजमीन का निजाम, जब ये पढ़ा जाता है तो जिस्म के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो फिर कैसा लगा ये तराना पढ़कर? बहुत अच्छा लगा, बहुत। हमें यहाँ जब हम इस तराने को पढ़ते हैं तो हमें वही आज़ादी की जो फीलिंग है वो आती है, और हम इस मुल्क में बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें वो तो ठीक है कि इस वक्त जिस तरह के भी हैं, लेकिन इस मुल्क को आगे तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए हम सबको मिल के काम करना चाहिए। क्यों जी? तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए? हमें मिलके एफर्ट करनी चाहिए, इसके डेवलप कर, इसको डेवलप करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, और हमें कायदे आज़म के मोटो पे काम करना चाहिए जो कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है। इसी के थ्रू हम बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं, हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। नाम रोशन कर...